नहीं गुरुजी ऐसे नहीं चलेगा, मैं नहीं सुनूंगी, कुछ भी नहीं सुनूंगी। बढ़िया चल रहा है, आप चिंता नहीं गुरुजी, नहीं ऐसे नहीं होगा गुरुजी। मेरी चीजों को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, निष्फल क्यों होता है मेरा आपके लिए जो होता है वो निष्फल क्यों होता है। मैं 11 मालाएं रोज जपती थी मां मृत्युंजय की। देश पर ध्यान दो, देश पर। बेटी ने गुरुजी ऑनलाइन इस्लाम धर्म धारण कर लिया है, उसको क्या रोकना मेरे कर्मों पे इफेक्ट करता है, क्योंकि ईश्वर एक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे गुरुदेव डॉक्टर पवन सिन्हा जी, मेरी गुरु माँ डॉक्टर कविता अस्थाना जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आश्रम में उपस्थित सभी लोग और ऑनलाइन जुड़े हुए आप सभी को मेरी राम राम। भारतीय ज्ञान परंपरा आध्यात्म और विज्ञान की डोज धरातल पर खड़ी है। इस भारतीय ज्ञान को जनमानस तक पहुँचाने का कार्य करते हैं हमारे गुरुदेव। वो भारतीय ज्ञान जिसमें पाखंड, कपट और जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। हमारे गुरु जी ने हमेशा से जातिवाद का विरोध किया है, मुखरता से किसी भी प्रकार के लिंग भेद का विरोध किया है। समाज जब भी अतोगति की तरफ जाना शुरू होता है, तब हम भारतीय बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें सही दिशा दिखाने के लिए, समाज को सही मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में हमारे गुरुजन होते हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमारे बीच गुरुजी पधार चुके, गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो हम सबके लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत का धन्यवाद। गुरुजी कितने भी गुरुजी को कष्ट हो, परेशानी हो, लेकिन फिर भी वो हम लोगों के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए, अपनी ऊर्जाएं देने के लिए हमेशा गुरुजी उपस्थित रहते हैं। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है। पिछली बार हमने जाना था कि किस प्रकार से पेरेंटिंग की जाती है, ये भी जाना था कि किस प्रकार से गर्भधारण करना चाहिए, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तप किया था। भारत में संतान बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल इसके लिए कि वह आपको सुख देती है या मुखाग्नि देती है, बल्कि इसलिए भी कि वह समाज के लिए बहुत उपयोगी होती है। और जो माता पिता अपनी संतान का, संतान के समय उचित रूप से गर्भधारण नहीं करते या परवरिश नहीं करते, उनकी संतान असुर बन जाती है। असुर जैसे सामान्यतः पिक्चर्स में दिखाया जाता है, चित्रों में दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है, वैसे नहीं होते, वो आम मनुष्य ही होते हैं। बस उनका स्वभाव अलग किस्म का होता है। तो हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन माता पिता के पास भी आजकल समय की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए बच्चे पर वो ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी बात, माता पिता की अपनी ईगोज रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को पैम्पर करते हैं, अनुशासन नहीं सिखा पाते। और एक समय ऐसा आता है कि उनकी संतान मानसिक शारीरिक रूप से बलिष्ठ नहीं रहती। स्वामी जी ने भी कहा था कि संतान कैसी होनी चाहिए, युवा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। मेंटली,
फिजिकली इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए, और यदि यूथ ऐसा नहीं है या संतान इस प्रकार के नहीं है तो वह आगे जाकर समाज के लिए घातक होगी। हम लोग कभी कभी खुद बहुत गलत किस्म का माहौल घर में उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी संतान मूल्यों के इतर चली जाती है, और उसको वापस लाना थोड़ा कठिन होता है। असंभव नहीं है लेकिन थोड़ा कठिन अवश्य है। और इसका वर्णन कपिल देव जी ऋषि करते हैं। वो कहते हैं कि जो पुरुष घर में रहकर साकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उसके फलस्वरूप अर्थ और काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह भगवत कर्म से विमुख हो जाता है। ये बातें सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन ये उतनी साधारण है नहीं। दुनिया में अनेक प्रकार के समाजों का जन्म हुआ, विशेषकर 15वीं शताब्दी और उसके उपरांत एक सिविलाइज सोसाइटी पूरी दुनिया में डेवलप होनी शुरू हुई, और वो चूंकि सिविलाइजेशन बहुत फास्ट हो रहा था इसलिए उस सिविलाइजेशन ने बहुत सारी विकृतियां और भ्रांतियां पैदा की, जिनसे आज वही सिविलाइज सोसाइटी परेशान होने लगी। भारत की स्थिति थोड़ी सी और खराब हुई। सत्संग पे जाना, ध्यान साधना करना, यहां पर एक निकृष्ट या बैकवर्ड कार्य माना जाने लगा। ऐसा अंग्रेज हमको सिखा गए और हमने इसे सीखी, और इसकी वजह से एक दौर था, अभी तो फिलहाल लगभग 8-10 सालों से ये दौर बहुत अच्छा आया है, लेकिन एक दौर वो आया कि जब सत्संग भवन सूने पड़े रहते थे, मंदिर भी सूने पड़े रहते थे, सिर्फ कुछ लोग अपने हेतु की सिद्धियों के लिए मंदिर जाते थे, गुरु कक्ष सूने पड़े रहने लग गए क्योंकि लोग वहां जाते नहीं थे। फिर धीरे धीरे लोगों की सब समझ में आया कि दरअसल समाज, परिवार और व्यक्ति इन चीजों से नहीं चलेगा, तब जाके उन्होंने अपनी शैली में परिवर्तन किया, अन्यथा परिवारों के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण अनुचित गर्भधारण, अनुचित से मतलब अनुचित समय पर गर्भधारण रहा, और उसके साथ साथ गलत परवरिश भी रही। एक चीज और यहां पर है, हम बच्चों पर सीधे सीधे सारे ठीकरे फोड़ते तो हैं, लेकिन क्या हम परफेक्ट हैं? ये प्रश्न भी हमें स्वयं से करना चाहिए, करना पड़ेगा।
एक बात मैं यह कहना चाहूंगा, अगर एक्सेसिव लिबर्टी दी गई बच्चों को और उनके अंदर संस्कार नहीं सिखाए गए तो वो हर हालत में बिगड़ेंगे, क्योंकि मनुष्य उसके अंदर भी एक पशु होता है। पशु में फिर भी कुछ अपेक्षित अनुशासन होते हैं, मनुष्य में वो भी नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य इमोशंस के हाथ मजबूर होता है, पशु इमोशंस के हाथ मजबूर नहीं होता है। उसका हर समय से बंधा हुआ कार्य होता है, ऋतु से बंधा हुआ कार्य होता है, मनुष्य का नहीं होता। और यदि उसी के इमोशंस को एक सही दिशा दे दी जाए, जो कार्य पूर्व में होते थे वो दिशा दे दी जाए, तो ये जो अनलग रिश्तों में उलझना शुरू हो जाता है इनसे बच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक बार उलझ गया वो कम से कम नहीं तो दो परिवारों को खत्म करता, खराब करता है। और उसका कद जितना ऊंचा होता चला जाएगा, उसकी कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटी भी उतनी बढ़ती जाएगी तो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसके आगे कपिल देव जी कहते हैं, लेकिन यदि बुद्धि श्रद्धा युक्त है, देवता और पितर उपास्य हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाके उनके साथ सोमपान करता है। यहां सोमपान का अर्थ शराब नहीं, ये एक अजीबोगरीब हम लोगों को सिखाया गया, हमने आप लोगों को सिखा दिया। सोम का अर्थ एक प्रकार का द्रव्य है, शराब नहीं है। यह द्रव्य शक्ति के लिए होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे घोला हुआ मधु, वह शराब नहीं है। लेकिन मधु का सेवन करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, और उससे कभी कभी आंखें लाल हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वो वर्णन आपने पढ़ा भी होगा। तो वह शराब नहीं है। एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि दुनिया भर के गलत कामों के ठीकरे केवल और केवल सनातन संस्कृति पर थोप दिए जाते हैं, जबकि बाकी जगह भी परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं उस डिबेट में अभी नहीं फंस रहा हूं। तो जो इस प्रकार से अपना जीवन जीता है, यानी ये जीवन बच्चों के लिए कम और बच्चों के माता पिता के लिए अधिक है। मैंने कई बार ऐसे पेरेंट्स देखे जिनमें खुद बहुत एंजाइटी है, गुस्सा है, नॉलेज नहीं है, वह सरलता से बात नहीं कर सकते, चीखते हैं, लेकिन बच्चा ऐसा चाहते हैं जो बिल्कुल आज्ञाकारी हो, सौम्य हो, सहज हो, सरल हो, विलक्षण हो, आदि आदि। यानी जो हम स्वयं नहीं हैं वो हम चाहते हैं हमारे बच्चे हो जाएं, जो नहीं होगा, क्योंकि वो 24 घंटे वही शोर कलह देखेगा तो वह निश्चित रूप से बिगड़ेगा। और
बिगड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं आजकल, सुधरने के बहुत थोड़े से। यहां जो सूत्र है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूं, उसको सरल करके जो मेरी समझ आई उसके अनुसार। हम खुद के लिए एक अपनी सीमा उत्पन्न करते हैं एकांत अकेलेपन की। एकांत तो अच्छी चीज है, अकेलेपन की खुद के लिए, और उसके बाद फिर हम उसको भरने की कोशिश करते हैं। और जो कोशिश करते हैं शुरू में वो अच्छा लगता है, और धीरे 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 वो समस्याएं बनता चला जाता है, क्योंकि उसमें हम अपने गोल से, हम अपने लक्ष्य से, हम अपने देव कार्य से, हम अपने पितरों के कार्य से च्युत होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं। इसीलिए आज के युग में संत बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं उन पर कुठाराघात इतने होते हैं, और जब उन पर कुठाराघात होता है तो समाज का कोई भी व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए नहीं आता, इसलिए वो अकेला पड़ता जा रहा है। तो जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति अकेला पड़ता है तो वो केवल अपने इष्ट का या अपने गुरु का या अपने धर्मशास्त्र का सहारा लेता है और बाकी सबको छोड़ देता है, क्योंकि उसको आदत है छोड़ने की। वो किसी कार्य विशेष के लिए कुछ ऐसे मोह को उत्पन्न करके रखता है, अन्यथा उसको आदत है वैराग्य की। तो मैं यहां कहना चाहूंगा इस बात को कि जैसे ही लेश मात्र भी इंटरेस्ट उत्पन्न होने लगे आपका ऑपोजिट जेंडर में, तुरंत सावधान होकर दूर हो जाओ, नहीं तो लक्ष्य से भटक जाओगे। गुरु की आंखें बड़ी पैनी होती है, बस ये एंटीना कभी कभी खड़ा होता है, क्योंकि इसमें विश्वास बहुत होता है, उस विश्वास से ये भर जाता है, दब जाता है। लेकिन जिस दिन ये एंटीना खड़ा होता है, जिस दिन वो सहस्त्रार जागता है, आप उस दिन अपने आप को कितना भी झूठ बोलेंगे नहीं बचा सकते, नहीं बचेंगे। तो बिल्कुल शुरू में ही बच जाइए, अन्यथा 20 साल बाद लौट के समझ में आएगा कि अरे मेरा तो ये कार्य था, ये मुझ में गुण था, और उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय घर में झगड़ने के, और वो झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। और ये चीजें मैं कह रहा हूं तो मान लीजिए, क्योंकि आप 20 साल बाद टेस्ट नहीं कर सकते किसी चीज को, तब तो रायता फैल गया। श्री कृष्ण जैसे आप हो जाएं एक अलग बात है, गुरु महाराज जैसे आप हो जाएं तो एक अलग बात है, स्वामी जी जैसे आप हो जाएं एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा रास्ता होता है। और वो जो लंबा रास्ता होता है उसकी शुरुआत बहुत छोटेपन से हो जाती है। छोड़ देना तो किसी भी उम्र में बहुत आसान है, लेकिन सीखना बाद में जाकर बहुत कठिन है। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं आपको भारत में ऐसे मिलेंगी जिनके अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ था, लेकिन विवाह हो गया या गृहस्थी बन गई, और उसके बाद जब वो 45-50 साल की हो गई तब उन्हें समझ में आया
कि हम इतने टैलेंटेड थे और ये ना हुआ होता तो हम यहाँ खड़े होते, तब तक सब कुछ जा चुका होता है। बिरले ही ऐसे एक आध कोई होता होगा लाखों में जो उसको कम बैक कर सकेगा उस उम्र के उस पड़ाव में, बाकी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते, खास तौर से मैं जहां भी जाता हूं यूथ से कहता हूं, सुनता कोई नहीं, लगता जरूर है सुन रहे हैं, सुनता कोई नहीं, क्योंकि काम के हाथ बहुत बलवान होते। ये देवत्व से, ये पितृ पूजा से ज्यादा बलवान होते। इसीलिए जो गुरुजन होते थे वो बहुत लंबे समय तक परीक्षाएं लेते थे और इतना कठिन काम कराते थे, और उस प्रोसीजर से श्री कृष्ण भी गुजरे हैं, उस प्रोसीजर से श्री राम भी गुजरे हैं, लक्ष्मण जी भी गुजरे हैं। वो इतना कठिन आपके ट्रेनिंग देते थे, आपके माइंड को एक रेखीय कर देते थे, आपके अंदर अगर मान लीजिए रसगुल्ले खाने की पिपासा है, मान लीजिए रसगुल्ला खाना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन पिपासा बुरी बात, उस पिपासा को वो समाप्त कर देंगे। इसलिए गुरु बनना भी बहुत कठिन है तो शिष्य बनना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन। एक शिष्य संतान से भी ज्यादा क्लोज होता है उसके गुरु के। हाँ, संतान शिष्यवत हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन एक शिष्य जो होता है वो रेप्लिका होता चला जाता है अपने गुरु का, और ये स्थिति इतनी आसानी से नहीं आती है। मेरे पास तो बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है, सिर्फ गुरु महाराज का ही एक उदाहरण है, और तो मैंने जिंदगी में कुछ ज्यादा देखा समझा भी नहीं है, बहुत ज्यादा उस स्तर के लोगों से मैं मिला भी नहीं हूँ। विद्वानों से मिला हूँ, लेकिन सुपर ब्रिलियंट स्वामी विवेकानंद जी थे, सुपर ब्रिलियंट, लेकिन ट्रेनिंग वही थी। और ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं उठाई उन्होंने, क्योंकि वो कभी भी बदल जाते थे। एक इंसिडेंट मैं कभी शेयर करूंगा फिर आपके साथ। तो जब इस कद का व्यक्ति रस्ते से उतरता है तो जैसे होता है ना भारी पत्थर और एक होता है हल्का पत्थर, हल्का पत्थर उतर भी जाए रस्ते से तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारी पत्थर जब रस्ते से उतरता है तो भयंकर डिस्ट्रक्शन कर देता है, और उसको संभालने के लिए बहुत तनाव हुआ था, लेकिन संभाल ले गए क्योंकि उनके पास उनकी विलक्षण शक्तियां थी। हम साधारण लोग वैसा नहीं कर सकते, इसलिए जो भी उस स्तर तक जाना चाहते हैं वो ये देख लें। और आजकल का जो समय चल रहा है पिछले 2-2.5 महीने से, और उसमें भी लगभग 15-20 दिन से उसमें ये देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन चंचल हो रहा हो। चंचल होने के बाद भटकाव बहुत दूर नहीं रह जाता। और उसके बाद जब आप लौटते हैं तो 20-25 साल वेस्ट हो चुके होते हैं।
ये उनकी बात कह रहा हूँ मैं, ये बाकी सब के लिए नहीं, बाकी सब तो अपना रूटीन ग्रस्त जीवन बनाएं और बसाएं और चलाएं, ये मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि जिन्हें विश्व के अंदर, जिन्हें राष्ट्र के अंदर एक क्रांति भरनी है, जिन्हें क्रांति पुंज बनना होगा। और हर युग में बहुत थोड़े से लोग 100 वर्ष बाद पुनः अवतरित होते हैं, आप भी उसमें से हो सकते हैं। जिन्हें वो क्रांति पुंज बनना होगा उनके लिए नियम ज्यादा सख्त है। जिस विद्यार्थी से जितनी अपेक्षाएं होती हैं उतनी ज्यादा सख्ती होती है, प्रभु भी उनके लिए ज्यादा सख्त होते हैं। इसलिए उनको परीक्षा देनी होती है, साधारण लोगों का क्या। मेरी बात को अन्यथा लेना हो तो ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो कह रहा हूं जो शास्त्र कहता है, मैं उसको सरल करते हुए कह रहा हूं। और अगर आपको वो रोशनी पुंज नहीं बनना तो जैसे सब लोग जीते वैसे जियो, लेकिन फिर किसी से चिढ़ो मत, क्योंकि रोशनी है तो वो चमकेगी। तुम नहीं चमकोगे कोई और चमकेगा, वो नहीं चमकेगा कोई और चमकेगा। हर व्यक्ति का एक अल्टरनेटिव है, याद रखना, आप पहले भी नहीं है, अंतिम भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं एक युग में एक या दो जिनका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, बाकी सबका है। इसलिए जरा सा मन हल्का सा टिल्ट करे और जीवन में कुछ करना है तो सावधान होकर वापसी कर लो, नहीं तो उस दलदल में जागे रहोगे, वहां से कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। श्री नारायण शेषनाग पर लेटे हुए और इसी प्रकार के ग्रस्त नियमों को बता रहे हैं। और जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं उनके लिए वो कहते हैं, इन्हें वह लोक प्राप्त हो जाता है। एक रास्ते पे जाओ, दो रास्ते पे कभी मत जाओ। सकाम गृहस्थ पे जाओ या निष्काम वैराग्य पे जाओ, दोनों बीच में रहोगे तो दिक्कत होगी, तो आप कभी भी ज्योतिपुंज नहीं बन पाएंगे। एक साधारण व्यक्ति बन के जीवन समाप्त। हर प्रोफेशन में विलक्षण लोग होते हैं, कोई प्रोफेशन उठा लीजिए, और हर प्रोफेशन में बेहद साधारण लोग होते हैं, कोई भी प्रोफेशन उठा लीजिए। और यही याद आता है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं। मनुष्य किस तरह अपना कल्याण स्वयं कर रहा होता है और किस समय वह अपने आप को स्वयं समाप्त कर रहा होता है। मनुष्य शने शने अपने आप को समाप्त करता है, आपके ऊपर है। शास्त्र केवल सामान्य कहानियां नहीं है, और शास्त्र प्रभु ऋषि उस व्यक्ति को कभी भी पसंद नहीं करेंगे जो अपनी गलतियों का ठीकरा
दूसरे के सर फोड़ता हूं। उद्धरेत आत्मना आत्मान, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये मेरी कमी है। जब मैं सक्सेसफुल होता हूं तो ये मेरा गुण है। हम अक्सर क्या करते हैं, जब मैं असफल होता हूं उसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, जब सफल होता हूं मेरी वजह से हुआ। मेरे माता पिता की वजह से, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट अगर कोई देगा भी तो माता पिता को दे, बहुत दिया तो माता पिता को देगा। और न्यूज के या रील्स के प्रभाव से वो माता पिता को तो आजकल देने लगे हैं, ये तो एक पॉजिटिव साइड है। मुझसे अभी एक व्यक्ति ने पूछा महाविद्यालय में, 5 तारीख की बात है, यूनिवर्सिटी वगैरह में तो टीचर्स डे वगैरह होता नहीं है, तो उन्होंने पूछा ऐसे ही कि मेहनत करने का, आश्रम के विशेष संदर्भ में मेहनत करने का क्या फायदा है, क्या वो लोग आपको क्रेडिट देते हैं या देंगे, ऐसा लगता है आपको? पूर्व में भी एक दो बार ऐसा प्रश्न किया जा चुका था, तब भी मैंने यही उत्तर दिया था। और पहले दिन मैं स्पष्ट हूं, मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहा हूं, मैं किसी क्रेडिट के लिए काम नहीं कर रहा हूं। और जिस दिन मैं मेरे राष्ट्र के कार्यों के लिए क्रेडिट लेने लगूंगा, उस दिन मुझसे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति तो कोई होगा ही नहीं। जिस दिन मैं सनातन संस्कृति और धरती माँ के लिए क्रेडिट लेने लगूंगा, मुझसे ज्यादा निकृष्ट व्यक्ति तो कोई होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत बस इतना सही है कि मिले तो बेइज्जती ना करे, बस उतना बहुत है। बाकी उद्धरेत आत्मना आत्मान, मेरा काम सिर्फ बताना है, संभलना बिगड़ना ये आपके काम। हम किस रास्ते को चुनते हैं ये हमारी मेधा पर निर्भर करता है, ये हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है। और वही श्री हरि कहते हैं, जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का कार्य क्या है, समाज का कार्य, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका पालन करते हैं, वे अनासक्त प्रशांत शुद्ध चित्त निवृत्ति धर्म परायण ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सतगुरु द्वारा। मैं थोड़ा अटक के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे गुरु महाराज की याद आ रही, गुरु महाराज के शब्दों की याद आ रही, वो भी यही बात कहते हैं। कभी कभी तो लगता है कि शायद वो बैठ के लिख रहे थे। जिन्हें जीवन में बहुत कुछ करना है, उनके अंदर एक गुण और होना चाहिए, कठोर अनुशासन। और कैसा अनुशासन, जिसका पालन हंसते हंसते किया जाए, तनाव में नहीं,
जब मनुष्य उससे बाहर आ जाएगा, यानी अपने अनुशासित दिनचर्या से बाहर आ जाएगा, तो उसके अंदर का जो तेज पुंज है वो समाप्त हो जाए। एक विशेष चीज मैं कहना चाहूंगा कि कम बोलो, जितना बोलोगे उतनी गलती करोगे। शरीर का भी क्षरण होगा, ऊर्जा का भी क्षरण होगा। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये मना नहीं कर रहा, हंसो नहीं। अभी कभी ना बोले तो फिर उसका कार्य कैसे चलेगा। लेकिन इधर उधर उधर इधर वो बोलना निषेध है। अगर कुछ कर रहा है, ये आज की जितनी भी वार्ता है ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित है जो सोच के बैठे हैं कि मुझे कुछ विशेष करना है। कुछ भी उम्र हो गई, अब मुझे करना है कुछ, मैं काम करना चाहता हूं या काम करना चाहती हूं, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर उलझे नहीं हो तो रिश्ते के जाल से दूर हो। खासतौर से उन युवाओं से मैं कह रहा हूं जिन्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है, उससे दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना प्रभावी रहोगे, क्योंकि सारी शक्तियां तुम्हारी एक रेखीय हो जाएंगी। अब जो लड्डू खा चुके उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्होंने अभी लड्डू नहीं खाया है वो खाने से बचे। अगर उस लेवल पे काम करना, मैं बार बार इसको कह रहा हूं, क्योंकि जैसे आप रिश्तों में उलझते हो, एक व्यक्ति के अलावा सारी दुनिया आपको बुरी नजर आती है, कमजोर नजर आती है। और ऐसा लगता है कि बस अगर देवता है, नारायण है तो यही है, नारायणी है तो यही है, बस बाकी सब बेकार है। और जब तक समझ में आता है बाकी सारे ही तो काम के थे, तब तक 25 साल गुजर जाते हैं। उसके बाद देयर इज नो कम बैक। आप कह रहे होगे कि मैं कैसी आज बातें कर रहा हूं। भारत में ये बातें कर रहे हैं इसलिए और भी जरूरी है क्योंकि यहां ऑक्सीटोसिन बहुत खाया जा रहा है। विदेशों से ज्यादा बुरी स्थिति मैंने कहा था ना, क्योंकि यहां ऑक्सीटोसिन बहुत खाया जा रहा है। इसे लव हार्मोन कहते हैं, इट जेनरेट्स यूजलेस काइंड ऑफ लव, क्योंकि ये हार्मोन की वजह से होता है। और इसे आप बच नहीं सकते। 67% दूध वो नकली है, सब्जियों में उसे लगा के जो है लौकी का लौका बना दिया जाता है। कहां तक बचोगे? आपकी आप क्या क्या कर लोगे ऐसा जो बच जाओ? कहां जाओगे? और भोजन के नियम अभी तो उतने सख्त होने वाले हैं नहीं कि लाइसेंस कैंसिल हो गया, जेल में डाल दिया, ये हो गया, वो तो कुछ होने वाला है, अभी तो नहीं दिख रहा। अब अचानक नोट बंद हो सकते हैं तो अचानक भोजन के नियम भी आ सकते हैं, रात को 8 बजे, तो वो कोई कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल नहीं लगता। बाकी फिर मैं कहूंगा उदरित आत्मना आत्मा जो गीता का जो दर्शन है, शब्द दर्शन में से एक मान लीजिए गीता, गीता का जो दर्शन है इतना प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल है,
कि आप में से हर व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए। और कितना समय लगेगा? बहुत लगा तो 10 दिन। समझने में कितना समय लगेगा? पूरा जीवन। लेकिन पढ़ लो आप, ब्रिलियंट। देखिए, भारत का युवा ब्रिलियंट है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसे जितना लड़ना होता है उतना अमेरिका के युवा को नहीं लड़ना, उसे उतना ब्रिटेन के युवा को नहीं लड़ना होता। हर क्षण उसे मशक्कत करनी पड़ती है और हर क्षण वह डूबता तैरता है, हर क्षण। इसलिए उसके अंदर जिजीविषा जबरदस्त है और इसी से बच के भाग जाता है अमेरिका। वो उसे धुएं काला वाला धुआं भी सूंघना, वो भी मजबूरी है, कहां बच के जाएगा। तो भारत का युवा बहुत ब्रिलियंट है और उसे गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। अगर मैं यहां से कहूं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए तो बाकी लोग आ जाएंगे, हमारा भी होना चाहिए। यह तो आसान नहीं है भारत में कुछ भी नियम बनाना। लेकिन हम छोड़िए ना, उस बहस को छोड़े, पढ़ने के लिए तो कोई भी दर्शन पढ़ा जा सकता है, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो गीता दर्शन हो। सभी दर्शन में कुछ विशेषताएं हैं, आप पढ़िए उसको, लेकिन गीता एक बार जरूर पढ़ लीजिए, एक बार जरूर पढ़ लीजिए, 10 दिन। और जब जो बातें हमने आज की हैं, इन बातों के विशेष परिपेक्ष में जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा श्रीमद् भागवत कितना बड़ा ग्रंथ है, कुछ साधारण शास्त्र नहीं, असाधारण। कितना ज्ञान छिपा है। बिग बैंग थ्योरी से हमने शुरू किया था, याद हो अगर आप लोगों को, असाधारण शास्त्र। आगे बच्चे ज्यादा विद्वान होते हैं आजकल, हम लोग तो सीख रहे हैं उनसे। आप किस रास्ते जाते हैं पता नहीं, देश के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नाम जान के क्या करेंगे। वही अपने रास्ते से कुछ दिनों के लिए, किस्मत के धनी थे और गुरु महाराज जैसे लोग का वरद हस्त उनके पास था, उनके अवसर पर था, कुछ दिनों में बाहर आ गए। नहीं तो भारत को इतना बड़ा व्यक्तित्व कभी नहीं मिला। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई निजी प्रश्न भी हो तो बताइए निसंकोच। ये मत कहिएगा थोड़ी देर अलग से बात कर रहे, वो संभव नहीं होगा। यही ये कुनबाई है, सब परिवार ही है, निसंकोच अपनी बात रखिए। किसी को अगर मैंने संताप पहुंचाया हो, हर्ट किया हो तो क्षमा, लेकिन मैंने जो बातें बताई हैं अगर
आपके जीवन में उतार आई तो आप या आपका परिवार तो जो सुख भोगेगा तो है ही है। आप इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे और इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। आगे आपकी मर्जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम जी। गुरु जी एक बात पूछनी थी, बस समझनी है। हाँ। कि बैठ के पानी पीना चाहिए या खड़े होके? पानी बैठ के, दूध खड़े होके। दूध खड़े होके। और बैठ के पानी अगर ना पिए कोई, जैसे आमतौर पे आजकल होता है कि फ्रिज में से निकाली और वैसे ही बोतल पी ली, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? एयर भरती है जिससे कि हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, आगे जाकर वो अर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। राम राम गुरुजी। गुरुजी, व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ फियर एंड हेजिटेशन एंड हाउ टू ओवरकम इट? समझा नहीं। व्हाट इज द रियल कॉज ऑफ फियर एंड हेजिटेशन, हाउ टू ओवरकम इट? मैं तो पूर्व जन्म मानता हूं, सच में। जहां बहुत ढेर रिसर्चें चली है पास रिग्रेशन थेरेपी में, मैं चाहता हूं कि आश्रम के कुछ लोग उसे सीखें। लेकिन डेडिकेशन बहुत चाहिए और मेहनत बहुत चाहिए। मैं तो पूर्वजन्म ही में मानता हूं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके साथ फिर हम, हमारी जो आत्मा है ये अगला जन्म लेती है। ठीक। अब ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को अजीब सा लगे। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन जो मैं देना चाहूंगा फियर एंड हेजिटेशन का, वो है सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड थॉट्स, एंड पर्टिकुलरली इन वीमेन, इन फीमेल्स, व्हेन दे वर गर्ल्स देयर इमोशंस वर सप्रेस्ड, दे वर नॉट गिवन द फ्रीडम एज बॉयज यूज्ड टू गेट। Gradually, it turns into fear, it turns into hesitation. The third thing is, sooner or later, one would definitely recognize the fact that each one of us have one or the other fear in his life. Absolute fearlessness is nowhere except for God, except for persons like Shri Ram, Shri Krishna. Absolute fearlessness is not there. We all have one or the other kind of fear. Simple psychology. When you start expecting a lot from yourself and from others, that begets anxiety. Anxiety is what? Too much of expectations that this work be done as soon as possible. Now. Immediately, etc. So that begets anxiety. So, to me, these are the reasons.
राम राम गुरुजी। गुरुजी अभी आपने ऑक्सीटोसिन की बात की थी जो लव हार्मोन होता है, पर हमने वचनामृत में भी पढ़ा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो काम भावना होती है या कोई और भी अगर अहम भावना होती है तो उसे हम ईश्वर के तरफ लगा ले। तो जब हम भक्ति करते हैं या जब हम ईश्वर के लिए प्रेम करते हैं तो क्या इसमें भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, या क्योंकि ये मेटाफिजिकल भी एस्पेक्ट होता है तो इसमें ये रिलीज नहीं होता? ऑक्सीटोसिन उसमें रिलीज नहीं होता, ये मेटाफिजिकल है, रिलेटेड टू थॉट्स। आप अपने विचार को किस एरिया में ले जा रहे हैं। ऑक्सीटोसिन बॉडी पर इम्पैक्ट करता है, फिजिकल बॉडी पर, इसलिए क्योंकि हॉर्मोन्स हैं। थॉट एक अलग चीज़ है। तो गुरु महाराज जो कहते हैं अपने थॉट्स को डाइवर्ट करो। स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी वही कहते हैं जो गुरु महाराज कहते हैं। पर्सपेक्टिव बस थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अपने थॉट्स को चेंज कर लो, दूसरी तरफ ले जाओ अपने थॉट को। कहाँ ले जाओ? प्रभु में। स्वामी जी कहते हैं एक्टिविज्म में। फिर स्वामी जी भी जब वो मिड थर्टीज में पहुंचे तो उन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया था, टुवर्ड्स गॉड ऑलमाइटी की तरफ थॉट्स को डाइवर्ट कर दो, क्योंकि अल्टीमेट प्योरिटी वहाँ है, बाकी कहीं अल्टीमेट प्योरिटी नहीं मिलेगी। गुरुजी अभी आपने चैलेंजेस की बात की थी तो स्वामी जी भी कहते हैं कि चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, एंड जो वीक विल्ड होते हैं वो फाइट एंड फ्लाइट में से फ्लाइट कर जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं वो फाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम फाइट की तरफ अगर कोई आदमी पढ़ता है तो एक सर्टन सेट ऑफ डिसीजंस लेने चाहिए जिससे वो कंडीशंस उसके बेटर होते, तो वो सर्टन सेट ऑफ डिसीजंस वो कैसे लेता है? डिप्रेशन को जो डिफाइन किया गया है वो फाइट ऑफ फ्लाइट, ये दो वर्ड से। इफ समबडी फ्लाइट टेक्स अ फ्लाइट ही डिप्रेस्ड, इफ समवन फाइट्स इज नॉट डिप्रेस्ड। तो हमें फाइट करना है। अब किस चीज से फाइट करना है? हमारे फेलियर से, हमारे जो बुरी आदतें हैं। और सबको सब पता होता है, ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी, जैसे आज भी मैं इनडायरेक्टली बोल रहा था, सुनने वाले को पता था मैं कहाँ बोल रहा हूँ। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं बोला, उसने समझा, बस ये मकसद तो है नहीं, हाथ खड़े करो, ठीक है। तो अपने से ही लड़ना सबसे पहली लड़ाई होती है मनुष्य की, और सबसे बड़ी लड़ाई और पेरिनियल लड़ाई और जिंदगी भर चलने वाली लड़ाई वो भी यही है। बाकी लड़ाइयाँ आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन ये लड़ाई ऐसी होती है जिसको लड़ना पड़ता है जिंदगी भर। बस उसमें वही एक स्टेप वहाँ इम्पोर्टेंट होता है कि जो सही उठ गया तो जीतेंगे, गलत उठ गया तो हार जाएंगे। हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, फाइट बैक करेंगे, लेकिन फ्लाइट नहीं करेंगे, ठीक है। और कार्टिसोल और डोपामाइन हार्मोन्स हमारे ऐसे होते हैं जो कम अगर हो गए तो फ्लाइट करेगा व्यक्ति, और जो अप्रोप्रिएट है तो फाइट करेगा व्यक्ति। राम राम गुरुजी। गुरुजी मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं कुछ पूछना भी चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, यहाँ बैठे हुए अपने सारे भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मतलब जो आपका स्वास्थ्य खराब, कल मैंने देखा, मैं उसमें आई, उसमें मतलब हवन के समय मैं देखा, मैंने आपके पैर देखे गुरुजी। मुझे मतलब मैं बता नहीं सकती गुरुजी कि मुझे कितने पैर है ना, मोर के पैर हैं।
आपके पैरों को मैंने देखा जो कष्ट था आपका। गुरुजी मैं मतलब पिछले 15 साल से आश्रम आ रही हूँ और आप मतलब कभी भी मतलब हमेशा अस्वस्थ हो जाते हो आप। हम लोगों का मतलब हम निकृष्ट लोगों का वो ले करके आप जो है मतलब अपने लिए जितना ही आपके पास है उसका एक कण भी आप अपने लिए यूज करो तो आप स्वस्थ रहोगे गुरुजी। जब इस रास्ते पे आए तब हमें पता था गुरुजी मैं 2013 से शांभवी के माध्यम से हीलिंग करती हूँ गुरुजी। मैंने उसमें अद्भुत चमत्कार देखे अपने खुद की हीलिंग में। मैंने देखा मैंने पौधों पे गुरुजी, मैंने एनिमल्स पे किया। मेरा पेट मतलब फादर के घर पे पेट थी, गाय थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और मेरी हीलिंग के बाद वो मतलब उसके अंदर जान आ गई। और गुरुजी मैंने मतलब पूरे सावन में आपके लिए अनुष्ठान किया। मेरा अनुष्ठान आपके लिए क्यों निष्फल होता है? आप क्यों नहीं स्वस्थ होते हो? मैंने 11 माला की रोज मतलब हवन किया। गुरु महाराज कर देंगे तो हो जाएगा। एक ही से ठीक हो सकता हूँ मैं और किसी से नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं चलेगा। मैं नहीं सुनूंगी कुछ भी। नहीं सुनूंगी। बढ़िया चल रहा है, आप चिंता नहीं गुरुजी। नहीं ऐसे नहीं होगा गुरुजी। मेरा मैं अभी भी बैडमिंटन में हरा के दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अरे आप चिंता नहीं करें, आप उससे बड़ी चीजों पर ध्यान दे। मेरी चीजों को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? निष्फल क्यों होता है मेरा आपके लिए जो होता वो निष्फल क्यों होता है? मैं 11 मालाएं रोज जपती थी मां मृत्युंजय की। देश पर ध्यान दो, देश पर, उसको आपकी जरूरत है। मैं तो ठीक है, सब है, वो है ना अपने दद्दू हमारे हमारे ठाकुर। राम राम गुरुजी, आदर प्रणाम गुरुजी। पूर्ण जन्म का आप पानी अभी पिलाऊं कि? गुरुजी पूर्ण जन्म का साक्षात मैंने अपने घर में देखा है। क्या? मेरा पूर्ण जन्म का उस मेरे भाई था बीच का, तो उसको पुराने अपने पिछले जन्म का पूरा याद था। 4-5 साल तक भी वो अगर मुरादाबाद का नाम सुन लेता था जिसके साथ भी वो भाग लेता था। हाँ। और ये कहता था कि मेरे वाइफ और मेरे बच्चे एक्सीडेंट में हो गए और उनको पुलिस ने घेर रखा है, मुझे जाने दो, उन्हें बचाने दो। 5 साल तक का हो गया था वो भी, अगर कोई भी कह दे तो उसके साथ ट्रेन में भी बैठ जाता था। उसे फिर पकड़ पकड़ के फादर मना करते थे कि नहीं जाना, बल्कि मम्मी ने कहा भी था कि एक बार जहाँ ये कहता है चलें, पर उस टाइम मना कर दिया। पर उसको बहुत याद था, बहुत ज़्यादा बताता भी था हॉस्पिटल का, अपने बच्चों का, उनका नाम भी खूब लेता था। 5 साल तक तो हमें भी याद था, पर हम छोटे थे तो हम हंसते थे कि ये कैसे वाइफ का बच्चों का बात करता है, पर हमें जब इतना ज्ञान नहीं था। हाँ ये है। अब वो मैकॉले ने कहा कि भूल जाओ तो हम भूल गए, लेकिन पुनर्जन्म होता है, उसकी यादें भी होती हैं। और ऐसे एक दो नहीं, 64 से जयपुर यूनिवर्सिटी में, 64 या 67 से जयपुर यूनिवर्सिटी में इस पर काम हुआ, बड़ा काम हुआ। विदेश में तो बहुत ही काम हो रहा है, अभी भी चल रहा है। और श्री एक प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी हैं, थे, अब तो शरीर छोड़ गए, वो बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने उस पर बहुत काम किया है। और भी बहुत लोग हैं, बहुत काम हुआ है, लेकिन अब कोई बात मानता ही नहीं कि सबका पूर्व जन्म है। दो उदाहरण घर में देखे हैं मैंने, एक बुआ जी की बेटी का और एक अपने भाई का भी। हाँ चलो जल्दी तीसरा भी देखना। और एक गुरुजी आपका एक बहुत बहुत शुक्रिया भी करना चाहती हूँ। ये कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी स्वामी जी के पीछे खड़े हुए थे, तो मैं भी एक बार, मुझे अकेले कभी मैं गई नहीं गाजियाबाद तक भी, एक बार मुझे अकेले जाना पड़ा बहुत दूर बंगाल की साइड में। तो आपका 16 तारीख को आया कि ऑनलाइन मीटिंग होगी गुरुजी की, और मैं रास्ते में थी, मुझे डर लगा कि अब तो मैं कर भी नहीं पाऊंगी मीटिंग अटेंड, मेरे पे नेट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गुरुजी पहली बार मुझे अकेले कहीं होटल में आदिवासी जगह रुकना पड़ा, बहुत डर लगा था बहुत, पर आपकी ऑनलाइन चलती रही तो इतना सहारा मिला, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता रहा कि गुरु महाराज तो साथ हैं। मैं बिल्कुल रात भर रुकी रही, इतनी लंबी चली, फिर वहाँ पे सब मेरे को पूछने भी आते रहे खाने को, तो डर लग रहा था कि कोई बिल्कुल जंगल में हूँ, खाने को पूछ रहा है, पर बार बार ये था कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो उनको भी शायद लगा या जो भी कुछ है कि ये मीटिंग इनकी ऑनलाइन है। और मैं भी आपका ऐसा लगा कि बिल्कुल आपका साथ मिलता रहा मेरे को उस टाइम, बिल्कुल रास्ते में, बहुत
बहुत साथ मिला, शुक्रिया। राम राम गुरुजी। गुरुजी, हमारा शुरुआत से ही इतिहास रहा है कि हम वक्त के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ इवॉल्व होते रहे हैं, हर चीज़ को अडॉप्ट करते रहे हैं। जैसे व्रत होता है तो उसमें फलाहार खाया जाता है, और फलाहार में सबसे ज़्यादा व्रत में आलू खाया जाता है। बट आलू पुर्तगीज़ लाए थे इंडिया में जब लाए गए थे। अभी हमारे यहाँ पर पनीर बहुत खाया जाता है, बट दूध को फाड़ना एक, वैसे अगर दूध गिर जाए तो वह अशुभ माना जाता है, बट दूध को फाड़ के हम पनीर बना के उसका खा सकते हैं व्रत में। ऐसे हमने कई सारी चीज़ें अडॉप्ट करी हैं, बट अभी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे देश में अभी भी हैं जो सनातनी होके भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, बट कई लोग अभी भी उसको कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, हम किचन में काम नहीं करेंगे, हम घर का मंदिर साफ़ नहीं करेंगे। बट वही लोग अपने बच्चों को जिनकी साइकिल होती है उनको स्कूल में बोल जाता है उनकी तबीयत ख़राब है, या फिर वो स्कूल भेज सकते हैं। स्कूल भी तो एक विद्या का मंदिर है जहाँ सरस्वती को रोज़ हाथ लगाया जाता है। भगवान के कपड़े जो बनाती हैं औरतें, वो भी तो उसी चीज़ को हाथ लगा रही हैं जो भगवान को वस्तु पहनाई जा रही है। और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मंदिर और घर का मंदिर जो होता है वो सेम ही तो है, हम घर पर भगवान की मंदिर में पूजा कर लेते हैं, बाहर जाए तो क्या फ़ायदा। ऐसे तो बहुत सारे, हमारे धर्म तो नहीं कहूँगा, धर्म तो एक ही है, बट बहुत सारे पंथ हो गए, कम्युनिटीज़ हो गई, फिर तो वो भी ये कहें कि हाँ हम घर में अपना पढ़ लेते हैं जो भी कर रहे हैं, हम बाहर क्यों जाएं, हम एक जगह एकत्रित होकर भगवान का ध्यान क्यों करें जब भगवान हर जगह है। तो और अगर यही चीज़ सही है, जैसे मेंस्ट्रुअल वाली बात है कि बीमार है, ये सब चीज़ें हैं, तो हमारे कितने मंदिर हैं जिन पे सब प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, कामाख्या देवी माता हैं जिनकी स्पेशली पूजा करने औरतें जाती हैं, तो उसके बारे में क्या विचार है गुरु जी? क्या सही? माता नहीं, मैं जानता हूँ कि इससे बहुत क्रिटिसिज्म मेरा होता है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है जी। मैं तो इसमें ज़्यादा मानता आता हूँ नहीं, यहाँ भी कभी पूछा ही नहीं गया। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। किचन में जाने के लिए देवस्थान, घर में मंदिर नहीं होता है, देवस्थान होता है जी। तो यहाँ जाने के लिए मनुष्य को शरीर और आत्मा से शुद्ध होना चाहिए, यानी स्नान विस्नान कर ले। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ स्नान भी नहीं कर सकते, इतनी ठंडी जगह है, तो पांव धो लिए, हाथ धो लिए और अपने पूजा पाठ करिए। पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर बना देंगे जी, तो फिर वो साधना तो रह नहीं जाएगी जी। तो मैं तो इसमें क्लियर हूँ, चाहे कोई आलोचना भी करना चाहे तो कर दे। दूसरी बात, तीर्थ का स्थान कभी भी घर का मंदिर नहीं ले सकता जी, क्योंकि वहाँ एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं, वहाँ एक अलग अनुभूति होती है, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग होता है। तो घर में तो एक हम जिनको मानते हैं उनका स्थान होना चाहिए, इसी घर में पितरों का भी स्थान होना चाहिए। तो वहाँ पर लोग जाते हैं और प्रणाम कर अपने काम पे चले गए, लेकिन जो तीर्थ है, और इसलिए तीर्थ के नियम मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग तीर्थ में जाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, शराब पीते हैं, और वहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। ये रिलीजियस टूरिज्म जो वर्ड आया है, ये हम अपनी संस्कृति पे कुटाराघात कर रहे हैं। तो तीर्थ बहुत शांत होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और उसकी पवित्रता मेरे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। तो उसका स्थान तो कोई भी नहीं ले सकता, तो वो वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए, या मंदिर है आसपास के वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ पर जाकर थोड़ी देर बैठना भी चाहिए और प्रभु से संबंधित बातें भी करनी चाहिए, सिर्फ प्रभु से संबंधित और कुछ नहीं। गुरुजी, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि जैसे अभी यहाँ पर किसी ने पूछा था कि ओवर थिंकिंग, गुस्सा, ये सब कैसे कंट्रोल किया जाए,
तो मैंने कहीं पे सुना था आपने बोला था कि ट्रैवल करो जहाँ पर ट्रैवल करो, बट कई लोग यूजुअली इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम फियर में हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, अब हम बंध चुके हैं ज़िंदगी से या फिर और भी चीज़ें हैं, तो वो उससे बाहर कैसे निकले वो अपने उस चक्र से जिसमें वो फंसे हैं, बट वो चक्र जी की कहानी सुनाता हूँ और ये आपको समझा देगी सब। स्वामी जी कहीं जा रहे थे, अचानक पीछे बंदर पड़ गया, स्वामी जी भागने लगे बंदर से डर के, सही बात है। तो किसी सड़क के किनारे उनको ऐसे व्यक्ति जरूर मिलते थे और मुझे लगता है वो एक ही व्यक्ति होते थे। तो वो बोलते हैं कि मुसीबत से डरा नहीं जाता है, डराया जाता है। फिर स्वामी जी रुके और वो फिर बंदर के पीछे भाग लिए। अब बंदर आगे आगे, स्वामी जी पीछे पीछे। अगर जिंदगी में ये एटीट्यूड है हमारा तो हमारे मुसीबतें तो आएंगी आएंगी, मनुष्य हम, गलतियां भी करेंगे, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन हम फिर उसको ओवरकम भी कर सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट है, एटीट्यूड यही होना चाहिए जो उसने भी पूछा, फाइट और फ्लाइट। फाइट करना है, फ्लाइट नहीं करना है। शिविर था लेंसडाउन में, कई सारे बच्चे भी थे और उस वक्त कुछ जो आज बड़े हो गए वो उस समय बच्चे ही थे। तो वहां एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसमें बच्चे जा ही नहीं रहे थे। मैं गया, उठा उठा के सबको फेंक दिया स्विमिंग पूल में, बस सब ठीक हो गए। हरिद्वार में बहुत तेज पानी बह रहा है, आप जानती है वहां का बहाव। अस्तिक जी को पानी से बहुत डर लगता था, इन्हें उठा के नदी फेंक दिया। उस दिन से आज का ये दिन है कि इन्हें निकालने के लिए दो लोगों को और उतरना पड़ता है। तो यू हैव टू फाइट नॉट फ्लाइट। जब आप फाइट करेंगे तो रास्ता प्रभु देंगे। सही फाइट हो और प्रभु के नाम से फाइट हो, तो वही तो कह रहे थे नारायण। तो अपने आप रास्ता देना फिर नारायण की जिम्मेदारी, नारायण देख के रास्ता। अच्छा ये समझ में नहीं आया, बोलता मैं हूं पानी सबको चाहिए होता है, ना पियो पानी, पीने को मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी जिज्ञासा, मेरा भी तो अधिकार है प्रश्न पूछना। इधर गुरुजी, राम राम, आपके चरणों में चरण स्पर्श। गुरुजी मेरा प्रश्न है, हम सब लोग आज की डेट में सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई कम है कोई ज़्यादा है। आपका व्याख्यान हम लगातार सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि जब आदमी यहाँ से जाता है टीवी देखता है, टीवी के बाद मोबाइल भी देखता है, उसमें विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर बहुत सारे चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें जो है विमुख करने के लिए जो है प्रयत्न करती हैं। कब मैं उनके साथ में जो हम आपसे सुनते हैं उसको सुनने पे हमें फैक्ट है वो जो आप बताते हैं, लेकिन दूसरी जगह वो कहीं ना कहीं इतने सारे उपचार बताएंगे, इतने सारे बताएंगे, तो उससे आदमी कैसे बचे, अपने को कैसे बचाए कि क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पे इफेक्ट डालता ही डालता है। वही तो नहीं डाला है विश्वास, क्योंकि कुछ तो लोग मजबूत हैं, समझते हैं किसी, लेकिन कुछ लोग दीदी ने डर का पूछा ना, तो हम बहुत सारे उपाय और ये क्यों कर रहे हैं, विश्वास कम है। और क्यों कम है, ऐसा नहीं कि प्यार कम है, विश्वास कम है, क्यों, डर ने विश्वास की जगह ले ली। और इसका उत्तर दिया है कपिल देव मुनि, इसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए शास्त्र बहुत गहरी बात कहता है, वो क्या कह रहे हैं, उसकी बुद्धि उसी प्रकार की
श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास से रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाके उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर पुनः इस लोक में लौट आता है। ठीक है, जिस समय प्रलय काल में शेषयाई भगवान शेषय्या पर शयन करते हैं, उस समय सकाम ग्रस्त श्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। प्रभु को सब सौंप दीजिए, प्रभु हाथ, और उसके बाद फिर आप एक ही पर भरोसा कीजिए। सबसे बड़ा भरोसा है। हम गलती ये करते हैं कि 36 जगह सर नभाते हैं, सर ही फूटेगा, लाभ नहीं होगा। बस प्रभु के पास जाइए, वहीं बैठ जाइए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न और था गुरुजी, डरने की आवश्यकता नहीं। और सही बताऊं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका मुझे पता होता है कि ये 36 जगह जाते हैं, उनके प्रति मेरे मन में कभी भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जब प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होगी, जब ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी तो साथ भी नहीं दे पाएंगे। हम चाहें भी तो हम उनका कल्याण नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को प्रभु के पास बैठ जाना चाहिए। एक साधे ही सब सदे, सब साधे ही सब जाए। गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विश्वास कीजिए और प्रभु के पास बैठिए, अपने आप सारे पाप करें, क्योंकि पुण्य पूर्ण होने पर अपने आप मनुष्य इसी धरती पर लौटता है और फिर वो पुण्य अर्जित करता है और फिर वो चंद्रलोक का वास करता है, चंद्रलोक में जाता है। हाँ, दूसरा क्या प्रश्न है आपका? बात मैंने काट दी आपकी। दूसरा प्रश्न ये था आज की कक्षा से रिलेटेड, कि जैसे बच्चे हैं ये ग्रोइंग स्टेज में हैं, ये तो इनके लिए जो है कमबैक करने का बहुत वो है कि कर सकते हैं कमबैक, क्योंकि टीनेजर्स यंग एज में उनको जो है आपके जो बताए रास्ते हैं उन पर चल गए। लेकिन जो पेरेंट्स हैं एज ए, उनसे कहीं अनजाने जाने अनजाने परवरिश या संस्कार में, उनके कमबैक करने का क्या हो सकता है? क्या भक्ति? भक्ति किसी भी आयु में शुरू की जा सकती है, तो आप भक्ति शुरू कीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 60 साल की उम्र में आप रनिंग शुरू कर दीजिए, वैसे करने वाले वो भी कर ले जाते हैं, लेकिन फिर भी रनिंग शुरू कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो सब की तो कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति की जा सकती है, भगवत भजन किया जा सकता है, सत्संग किया जा सकता है, सत्संग में बैठा जा सकता है, ठीक है ना, सत्संग ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, पाठ किया जा सकता है, किसी कोई भी, तो ये तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो अगर कमबैक करना है तो फिर बाकी सारी चीज़ें छोड़कर और सिर्फ एक चीज़ भक्ति पर लौट आइए, बाकी अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। और जिस कमबैक की आप बात कर रहे हैं वो अपने आप पूर्ण हो जाएगा। मनुष्य खुद नहीं चाहता, वो कहता तो जरूर परिस्थिति वर्ष ये है, लेकिन दरअसल खुद नहीं चाहता, उसमें उतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती। लेकिन जरा सी हिम्मत वो कर ले और कुछ ना करे, शुरू में दीपक जला के खुशबू करके बैठ जाए और उसके बाद कोई पाठ पढ़ ले, कुछ कर ले, धीरे 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 अपने आप वो उस रास्ते पर चला जाएगा। प्रभु में बड़ी करुणा होती है, तो प्रभु अपने रास्ते खींच लेते हैं, बचा लेते हैं। राम राम गुरुजी। गुरुजी मैं
काफ़ी समय से अपनी सिस्टर के साथ आ रही हूँ यहाँ पे। मेरा मार्गदर्शन मेरी सिस्टर के थ्रू ही हुआ है। आपके काफ़ी विचार ऑनलाइन सुने, आपको सुना। पूजा अपने घर के मंदिर में जब भी मैं पूजा करती हूँ, पहले मैया का ध्यान आता है, फिर रात का आता है। काफ़ी सारे विचार आपके पूजा के समय घूमते हैं, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपने कहा आपका जिस में मन लगे आप उस भगवान का जप करें, निरंतर करें। परंतु अभी कुछ समय पहले मुझे किसी ने कहा था कि आपके जीवन में गुरु होना ज़रूरी है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को वैसे ही, जैसे आजकल नॉर्मली अनेकों भ्रष्टाचारी हैं, उसके लिए मन नहीं मानता है। फिर मैंने हनुमान जी को अपना इष्ट, अपना गुरु माना, उनकी आराधना की, उनका जप किया। लेकिन क्या है कि मेरी राशि के अकॉर्डिंग, आपने किसी टाइम पे मुझे ये कहा था मेरी राशि के अकॉर्डिंग कि आप मानसिक जप में ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें। अब पूरा दिन 24 घंटे मानसिक जप चलता है, लेकिन वो गुरुदेव का ध्यान नहीं आ पाता, जिनको मैंने अपना गुरु धारण किया है। अब इसमें मेरी कन्फ्यूज़न है, एक तो आप वो क्लियर कर दीजिए। शिव का स्वरूप ही माना जाता है श्री हनुमान जी को, रुद्र अवतार है वो, तो आप सही रास्ते चल तो रहे हैं। अगर मानसिक जब कंटिन्यूटी में जा रहा है और मैं गुरुदेव का भी ध्यान करने बैठती हूँ तो उन्हीं का ध्यान करके मानसिक जब आप जब शुरू कर दीजिए, बस एक बार ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए जी जी, और उसके बाद नमः शिवाय शुरू कर दीजिए, वहाँ तो सब एक है। ठीक है, एक सवाल हो रहा है गुरु जी। मेरे घर में मैं सिंगल पेरेंट हूँ, पिछले 10 साल से मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, 20 ईयर्स के हैं, बेटा बेटी हैं। बेटी ने गुरुजी ऑनलाइन इस्लाम धर्म अप्लाई धारण कर लिया है। अब क्या मैं जी ऑनलाइन अब उसको रोकना, उसने ऑनलाइन कुरान मंगवाई इधर से, उसको क्या रोकना मेरे कर्मों पे इफेक्ट करता है? क्योंकि ईश्वर एक है ये समझा जाता, कहा जाता है ईश्वर एक है, क्या मैं उसको रोकती हूँ तो उसके लिए मेरा कर्म गलत बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर एक है लेकिन धर्म अलग अलग है, धर्म मजहब अलग है। तो अगर वो ईश्वर की कोई उपासना करे तो सब समझ में आती है, लेकिन अगर किसी कोई धर्म में जाके कन्वर्ट हो जाता है तो वो तो ईश्वरीय नहीं है। हमने अपने आप सारे धर्मों की रचना की। गुरु जी इतनी नेगेटिव चीजें हुई हैं, फिर मन को, अपने मन को, मैं माँ हूँ, मैं अपने मन को यही समझा पाती हूँ कि बच्चा अगर मेरा सुबह उठ के उस परमात्मा का किसी रूप में नाम ले रहा है तो मैं अपने मन को नहीं। समस्या यही है दीदी, एक दौर था जब ऐसा होता होगा, आज ऐसा नहीं है। आज पॉलिटिकल रिलीजन हो गए हैं तो आज ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें सोचता हुआ कह रहा हूँ कि वापस बुलाने की कोशिश कीजिए। मैं अपने ईश्वर के, अपने गुरु को ही प्रार्थना कर सकती हूँ, विरोध के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चा मेरा मुझसे ही दूर हो जाएगा। उन्हीं का जब उन्हीं को प्रणाम करके और कीजिए, लेकिन आज वो बात नहीं है जो 1400 साल पहले हुआ करती थी। चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। कन्वर्जन की जरूरत ही क्या है, मैं तो ये पूछता हूँ। अगर है या कन्वर्जन हो रहा है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सोच कुछ और है। तो आप अपने ईश्वर को याद कीजिए और उसके बाद एक माला ओम रुद्राय नमः की करके नमः शिवाय जप करते रहिए, प्रभु अपने आप मदद करेंगे आपकी। ईश्वर सुनते हैं। क्या है कि पहले वो डेली 4 बजे अपना
उसने पढ़नी है। अब थोड़ा सा जैसे मैं उसको तिलक करती हूँ उसके लिए मना करती है, जल के लिए मना करती है, इवन कि एक ही भाई है उसको राखी बांधने के लिए भी कह रही है कि मेरे में ये नहीं है। अब गुरुजी मेरे को सही रास्ता आगे नहीं मिल पा रहा। आप ये करना शुरू करें रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है सनातन का व्यक्ति जहाज का पंछी है, लौट के वही आए। एक यही दृढ़ निश्चय मेरे मन में है, 5 साल 2 साल वापस जरूर आएगी। एक दृढ़ विश्वास के साथ मैं डेली पूजा करती हूँ। बस वही कीजिए और अच्छा व्यवहार रखिए, बस अपने आप ठीक होगा। वो करेंगे, अपने आप करेंगे, अपने आप करेंगे। धन्यवाद गुरु जी, प्रभु कृपा करें। गुरुजी मुझे बस एक कंफर्मेशन चाहिए, क्या मैं सही सोच रहा हूँ इस चीज़ को लेके? क्योंकि हमारे भगवान को मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर और जो पालनहार हैं और जो डिस्ट्रक्टर हैं। तो ब्रह्म शब्द को अगर डिकोड करेंगे तो वो मस्तिष्क या फिर क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, और हमेशा ब्रह्मा जी को सरस्वती से जोड़ा जाता है यूजुअली। तो हमारा अगर जैसे ब्रह्मा जी के कई मस्तिष्क हैं, अगर हमारा क्रिएटिव माइंड होगा तभी हम सरस्वती को अडॉप्ट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। ऐसे ही हमारे को कहते हैं कि विष्णु जी पालन पोषण करते हैं आपका, और जब तक हमारा पालन पोषण तब नहीं होगा जब तक हमारे पास लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। हम धन से या लक्ष्मी से या फिर किसी भी बाटर किसी भी चीज़ से हम अपनी खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जब अंत हो जाएगा तब कहते हैं कि शिव की प्राप्ति होती है, जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, जब हमारा शव शिव बन जाता है और हमारी शक्ति जुड़ जाती है। तो क्या ये थ्योरी मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है? दरअसल ये जो थ्योरी है ना ये एंग्लिसाइज्ड वर्जन है जी, है ना। तो इसको ऐसे समझे, देखिए एक मैंने बहुत बड़े उसको धर्माचार्य धर्मगुरु जैसे कहें, नाम लेने से क्या फ़ायदा, उनको ये कहते हुए सुना है, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, ये कहीं नहीं है जी, ठीक है ना। ये थ्योरी अपने आप में गलत है। ब्रह्मा जी जनरेटर कहाँ से हो गए जी? ब्रह्मा जी के संतान ही नहीं है, उनके जो भी संतान है वह मानस पुत्र है, पुत्र मानस पुत्रियाँ हैं, तो उनके शरीर की कोई संतान नहीं है। दूसरी बात, हर शिव की एक शक्ति है, हर नारायण की एक नारायणी शक्ति है, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी शक्ति है, तो ये शक्तियों के बिना ये कार्य नहीं करते, ठीक है। तीसरी बात जो विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, संहार शब्द का अर्थ मार देना नहीं है। भगवान कभी इतना क्रूर नहीं होगा कि सबको मार दे। डिवाइन जस्टिस का मतलब ये कभी है नहीं कि हम सबको मार दें, हम केवल राक्षसों को मारें, असुरों को मारें। तो ये प्रभु का बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, भगवान शिव का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है। संहार का मतलब होता है पुनर्क्रिएशन, ठीक है, पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण, ये 6 प्रकार की प्रलय हैं, इसके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। तो छोटी छोटी जैसे अभी गोमुख का ग्लेशियर लगभग 5 किलोमीटर दूर सरक गया, ये भी एक किस्म की प्रलय है, क्योंकि इससे पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, कहीं बाढ़ आ जाएगी, आगे जाके और प्रकार के संकट शुरू हो जाएंगे, जैसे मालदीव में हो रहा है या पोलैंड में हॉलैंड में हो रहा है। तो ये छोटे छोटे से, उसके बाद एक बड़ा संकट अपने आप आएगा जिसमें धरती
समाप्त लगभग समाप्त हो जाएगी, लेकिन पूर्ण तौर पे समाप्त नहीं होगी जब तक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे नहीं होते। उसके बाद ये कोई भी एक ग्रह यदि समाप्त होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बंधा हुआ है, ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा बंधा हुआ है, फोर्स नहीं पुल, ग्रेविटेशन पुल से बंधा हुआ है वो। ठीक है, तो जो 4 सर दिखाए गए हैं ब्रह्मा जी के, उसको आप कुछ लोग कहते हैं उसको 4 वेद हैं, लेकिन वो 4 प्रवीणताएं हैं। ठीक है, जैसे आपने उसका उल्लेख भी किया, तो वो 4 प्रवीणताएं हैं। ठीक, वो 4 रूप से सक्षम होने के बाद सरस्वती देवी का प्रादुर्भाव व्यक्ति के भीतर होता है। ठीक है, अब वैसे तो ब्रह्मा जी और सरस्वती को लेके कामों का एक, जो कि कोई शास्त्रीय नहीं है, उसका एक अलग विशिष्ट अर्थ है, तो उस पर भी चर्चा अगली बार करेंगे, अभी समय पूर्ण होने को है। तो जो ये 4 विशेषताएं जब किसी व्यक्ति के अंदर आती हैं, जिसमें जैसे उसके अंदर वैराग्य है, भक्ति है, संयम है, अनुशासन है, तब और अभ्यास, अनुशासन या अभ्यास, तो सरस्वती का प्रादुर्भाव उस व्यक्ति के अंदर होता है। सरस्वती का प्रादुर्भाव का अर्थ क्या है कि उसके अंदर स्वर आता है, उसके अंदर अक्षर आता है, जिस अक्षर को ब्रह्म बोला जाता है, क्योंकि वह नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से वह पूरा एक सिद्धांत है, उसको एंग्लिसाइज वर्जन जो उसका दिया गया, हम लोगों को आदत पड़ गई है ना कि हर उस तरीके से बात करेंगे जिससे अमेरिका या ब्रिटेन का ठप्पा उस पर लगे, ऐसी हमारी सोच है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन को कोई फुर्सत नहीं है सब सोच रही, लेकिन हम सोचते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसके बाद वो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होना शुरू होता है, ये उसका अर्थ है। और इसी के लिए आश्रम परंपराएं जानी जाती हैं, वहाँ यही सारी चीज़ें बार 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 सुबह से शाम तक आपके रूटीन में शामिल होती, उसके बाद मनुष्य को ज्ञान आना शुरू होता है, जो इस प्रक्रिया से गुजरेगा उसी में ज्ञान आएगा।